engineer by profession, working in IT, and a mountaineer by passion. She also works as volunteer for different NGOs. For Prerak Vyas is the co-founder of the poetry group titled Parvaz. Parvaz has been holding poetry-related baithaks for more than 3 years now. Under the banner, he has chaired the baithaks covering the works of varied poets, including Mirza Ghalib, Sahir, Dushyant and Gulzar, to name a few again. He is a poet by passion and very strongly believes that Mirza Ghalib is his guardian angel. He is the creative designer of all the merchandise we create under the banner of Parvaz. We welcome you, sir and ma'am. Thank you. Thank you. Good evening. Am I audible, right? शुरू करने से पहले एक छोटी सी कविता पढ़ते हैं गालिब के बारे में। ये पूछते हैं वो के गालिब कौन, पूछते हैं वो के गालिब कौन है, और मैं कहूँ एक दर्द है जो दिल में मुसलसल धड़कता है, एक सुरूर है जो धड़कनों में घुलता जाता है, एक कर्ज उसका जो जमाने पे हर पल चढ़ता है, एक नशा उस बादाखार का जो हर पल बढ़ता है, तपिश ऐसी जो महफिलों को गर्म करती है, एक सुखनवर ऐसा जिसकी कस्में नज़में खाती है, एक बादशाह ऐसा जो फकीरों को दाद देता है, एक मुसाफिर ऐसा जिसका रास्ता शहर तकता है, एक आशिक ऐसा जो सबकी मोहब्बत को जुबान देता है, एक काफिर ऐसा जो सबकी दुआओं में शामिल रहता है, और अब भी वो पूछते हैं कि गालिब कौन, कोई बतलाओ या हम बतलाओ। तो हम सब जानते तो हैं ही गालिब, और मेरे शने ना अफरीदा, मैं उस बाग का बुलबुल हूं जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, मैं आने वाले कल का शहर। और मशहूर लेखक के डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनौरी ने कहा था कि भारत में सिर्फ दो ही इल्हामी किताबें हैं, इल्हामी दैवी, एक वेद और दूसरा दीवाने गालिब। और प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था कि मुगल दौर ने हिंदुस्तान को तीन तोहफे दिए, एक ताजमहल, उर्दू जुबान और मिर्जा का। और गोपी चंद नारायण ने यहाँ तक कहा है, इज अ वेरी फेमस क्रिटिकर, कि देयर हैज बीन नो बिगर मुगल देन गालिब, एंड इवन सेड दैट ही वाज अ ट्रू ह्यूमनिस्ट। तो ऐसी क्या बात है गालिब में जो हम आज तक उनको फॉलो करते हैं, और ज्यादातर लोग उनकी पोएट्री से ही कनेक्ट करते हैं, द सेम टाइम उनके लेटर्स उतने ही इंटरेस्टिंग है। जावेद अख्तर ने कहा था कि अगर आपको 1857 की हिस्ट्री एक मोस्ट न्यूट्रल वे में पढ़नी हो तो आपको मिर्जा गालिब के घर पढ़नी चाहिए, क्योंकि शायद उनसे न्यूट्रल उस जमाने में किसी ने नहीं लिखा। एंड अगेन जावेद अख्तर ऑल्सो सेइंग दैट ही अकॉर्डिंग टू हिम वाज द फर्स्ट मॉडर्न पर्सन इन इंडिया। उनकी सोच उनके खत में भी लिखती, उनकी शायरी में भी लिखती। तो जैसे जैसे हम बातें करते जाते हैं, विल कीप ऑन गोइंग थ्रू हिज लेटर्स एज वेल एज हिज फेमस एंड नॉट सो फेमस गजल्स। सो जैसे प्रेरक ने कहा कि अभी जिस नज़रिए से हमने गालिब को देखा, वो बड़े बड़े दिग्गजों का नज़रिया, जावेद अख्तर क्या कहते हैं, गोपी चंद नारंग क्या कहते हैं, पर हम और आप कितना गालिब को जानते हैं कितना नहीं जानते हैं। हमारी बहुत सारी बैठक में लोग आते हैं और कहते हैं कि हम मिर्जा गालिब को नहीं जानते, और हम बोलते हैं कि अच्छा, कभी आपने किसी को जन्मदिन पे ये दुआ दी है कि तुम जियो हज़ार साल, साल के दिन हो 50,000, तो आपने गालिब को याद किया। मुहावरे बन चुकी हुई चीज़ें हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम नहीं, बड़े बेआबरू होकर मेरे कूचे से हम निकले। और ये एग्जाम्पल मैंने बहुत दफ़ा दिया है कि आई बिलोंग टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, and I go through that review and appraisal meetings every year, and one year I was telling my boss ki sir aap bas kehte rehte ho ki agle saal promotion de denge, agle saal ye de denge, karte to ho nahi, gale wahan bhi fit hote hain ki tere vaade pe jiye hum, to ye jaan chhoot jana, ye khushi se mar mar jaate agar etwar hota। Similarly ek aur line jo galib ki mere khayal se main din mein 3 dafa use karti hu, ki humko maloom hai jannat ki haqeeqat, lekin dil ki khush rakhne ko galib ye khayal acha hai,
आप स्पिरिचुअल किताबें पढ़ते हैं और वहाँ ये कहा जाता है कि अच्छा करो अच्छा होगा सत्यमेव जयते हैं और लाइक दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है. सो आज का बैठक हम जैसे हम अपनी बैठकें करते हैं वी वॉन्टेड टू बी मोर इंटरैक्टिव. हम एक तरफा स्पीकर नहीं होना चाहते हैं. आगे की कुर्सियाँ अभी भी खाली है. पीछे जो लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश है थोड़ी सी पास आ जाए थोड़ी सी आगे वाली कुर्सियों पे आ जाए. अब तो इस बैठक को आगे बढ़ाने के लिए विल हैव योर पार्टिसिपेशन. यहाँ पे हमने कुछ कार्ड्स बनाए हैं. द ब्लू कार्ड्स हैव फर्स्ट लाइट ऑफ अ शार्क. द येलो कार्ड्स हैव सेकेंड लाइट. आप में से जितने लोग आगे बैठे हैं या जिनका इंटरेस्ट है दे कैन पिक वन कार्ड एंड हम वहाँ से शुरू करेंगे. जिसके पास फर्स्ट लाइन आती है यू रीड व्हाट इज द फर्स्ट लाइन. जिसके पास सेकंड लाइन है वो समझने की कोशिश करेगी उस फर्स्ट लाइन की सेकंड लाइन क्या हो सकती है कौन सी है और वहाँ से वो गज़लों का सिलसिला खतूत का सिलसिला हम आगे बढ़ा देंगे. उनके जो खत है गालिब के वो बकायदा किताबों में छपे हैं और वो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तोड़ दी. उसमें कोई सल्यूटेशंस नहीं होते उनके खत. वो सीधा ऐसे ही शुरू होता है जैसे सामने कोई बैठ के बात करता हो. उन्होंने लिखा था कि मैंने अंदाज़ तहरीर मैंने वो अंदाज़ तहरीर इख्तियार की है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया तो मैंने लेटर्स को डायलॉग्स बना दिया. उन्होंने ये भी कहा है कि हजार कोस से बजुबान बजुबान कलम बातें किया करो और हिजर में विसाल के मजे लिया. तो इसीलिए एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि गालिब को सिर्फ पोइट्री से नहीं देखा जाए उनके खत आपको पढ़ने चाहिए. एक एग्जाम्पल है मीर मेहदी बजरू का लिखा हुआ. हाँ साहब क्या चाहते हो अब और क्या लिखूं. तुम मेरे हम उम्र तो हो नहीं जो सलाम लिखूं. मैं फकीर नहीं जो दुआ लिखूं. तुम्हारा दिमाग चल गया. लिफाफे को पुरेदा करो मसौदे को बार बार देखा करो. पाओगे क्या यानी तुमको मोहम्मद शाही रविशे पसंद है. यहाँ खैरियत है वहां की आफियात मजबूत है. हद तुम्हारा बहुत दिनों के बाद पहुंचा जी खुश हुआ. क्यों सच कहियो अगलों के खतों की तहरीर यही थी ना. हाय क्या अच्छा शेवा जब तक यूं न लिखो वो खत ही नहीं है. चाहे बेआब अबरे बेबारा है नखले बे मेवा है खाना बे चिराग है चिरागे बे नूर है. हम जानते हैं कि तुम जिंदा हो तुम जानते हैं हम जिंदा हैं. हमने जरूरी लिख दिया जवाइद को और वक्त पे मौकूफ रखा. और तुम्हारी खुशी इस तरह की तर्ज निगारिश पर मुनहसर है तो भाई 3:30 मैंने फिर भी लिख दिया. क्या कजा नहीं पढ़ते और वो मकबूल नहीं होती. तो ये अंदाज था लिखने का. और उन्होंने सब कुछ लिखा है. रोजमर्रा की बातें लिखी हैं आमों की फरमाइश लिखी है शराब की मांग लिखी है. मेहनता ना मांगा है किसी का शेर सुधारने का ठीक करने का. इसीलिए ये खत जो है उनमें उनकी गजलें मिलती हैं. उन्होंने इनफैक्ट गजलों पे दाद मांगी है अपने दोस्तों से. वो खत लिखे हैं कि भाई मैं नई गजल मिली है ये मैं तुम्हें भेज रहा हूँ तुम बताओ कैसी. तो वही मुरासले को मुकालमा बना चिट्ठी लिखने का काम है. जहाँ हम हिंदुस्तानी में भी लिखते थे हम यहाँ ठीक से हैं आप की खैरियत हो वो सब सैल्यूटेशंस हटा के एज इफ यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू लेटर आया तो उसका जवाब लिख रहे हैं तो चिट्ठी में लिख रहे हैं कि आह हा 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 मीर मेहंदी मजरू आया. पर्सन डिड नॉट अराइव बट ही इज ट्रीटिंग दैट कॉन्वर्सेशन एज अ पर्सनल कॉन्वर्सेशन. सो मेरे ख्याल से गज़लों की रिसाइटेशन और पोइट्री का सिलसिला शुरू करते हैं बाय विद द पीपल हू हैव ब्लू कार्ड्स. Who will volunteer to read first? Mic chahiye chahiye rahe. So. Kiske paas hai second? Please. I think we should have two mics. Aman, you have the other mic. हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन ये पहला मिसरा सर के पास था दूसरा किसके पास था. दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है. ये भी जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि हम 1000 बार यूज करते हैं
दिल के खुश रखने वो वाले भी एक ख्याल अच्छा है। One of his more famous उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार बीमार का हाल अच्छा है। देखिए बातें हैं उशाक बुतों से क्या फैज, देखिए बातें हैं उशाक बुतों से क्या फैज, एक ब्राह्मण ने कहा है ये आई थिंक अच्छा। जगजीत सिंह ने अपने हिसाब से वो गाया भी था। नेक्स्ट नेक्स्ट वाज गोइंग वॉलंटियरिंग प्लीज। हजारों रुपए के किताब खाने बर्बाद हुए, अब मैं अपने कलाम को देखने को तरसता हूँ। कई दिन हुए कि एक फकीर के वो खुश आवाज भी है और जमजमा परदाज भी, एक गजल मेरी कहीं से लिखवा लाया। उसने वो कागज जो मुझे दिखाया, यकीन समझना कि मुझको रोना आया। गजल तुमको भेजता हूँ और सिले में इस उसके इस खत का जवाब चाहता हूँ कि दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना। मिन्नत कश होता है जो मिन्नत कर रहा है, उस प्लीडिंग कि दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, इसका क्या मायने समझते हैं कि दर्द मिन्नत कशे दवा ना। कोई कोई any comment anybody would like to make, most welcome. Someone is raising the hand. Start. The meaning is so beautiful that only means the दवा जो है वो दर्द की, दर्द जो है दवा का एहसान मंद नहीं हुआ, एहसान मंद नहीं। तो मेरे दर्द ने दवा से मिन्नत नहीं और इसका नतीजा हुआ कि मैं अच्छा नहीं हुआ, इसमें बुरा क्या हुआ? दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ मैं ना। एंड अगेन लाइक ऑल पोएट्री फॉर्म्स इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। हो सकता है कि आप में से कोई और कुछ और इसके मायने समझते, ये हमारे और जो सज्जन पीछे बैठे हैं जिन्हें ये वाइनी समझ में आया उन्हें ये समझ में आया। हो सकता है कि आपकी कोई और डायमेंशन होगी कि दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। हम कहां किस्मत आजमाने जाएं, तू ही जब खंजर आजमा ना हुआ। कितने शीरी है तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना। ये भी बहुत फेमस, आई थिंक कई फिल्मों में ये सुना है। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना। तो ये इस तरीके के हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स आपको गालिब की शायरी में आते जाते हैं, बहुत बहुत सारी बार आते हैं। तो नमरूद, the way we know him in Bible is Nimrod, and he was great grandson of Noah, and he was the one who challenged God, and he said he I am the God of a person. So he is saying ki kya woh Namrud ki khudai thi ki bandagi mein mera bhala na hua. So I was it the world of God or was it the world of Namrud that तो क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। रहजनी है कि दिल सितानी है, रहजनी रॉबरी, दिल सितानी फैसिनेटिंग, कि रहजनी है कि दिल सितानी है लेके दिल दिल सिता रवाना। कुछ तो पढ़िए के लोग कहते हैं, कुछ तो पढ़िए के लोग कहते हैं, आज गालिब गजल सराना, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना। तो maybe he thought in Persian and wrote in Urdu, and that's like two different things. And again, ये जो था नमरूद की बात आती है, शहबा की बात आती है, सागर-ए-जम की बात, सागर-ए-जम जमशेद की बात, इन सागर-ए-जम में इनफैक्ट दो तीन बार आता है। तो extremely well-read person. He knew his history as well as he was modern at the same time. So that is the beauty. And he wrote about various things which were not probably that common. So he even wrote about cities for that matter. I think unse pehle unki ek puri masnavi hai chirag e dair karke, chirag e dair is lamp of temple which he has written for Banaras. It's in Farsi and not many translations. कल की inauguration में भी came to know कि अभी एक उसकी हिंदी translation publish हुई है, but may not many people know about it. लेकिन हिंदी translation अब
अगर लिटरल ट्रांसलेशन है तो कोई मतलब नहीं. हेलो. लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई और दिन और कोई दिन और कोई दिन और लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और पूव दियलो चिटस्टिक तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और. ये उन बहुत चंद गजलों में से है जिसका हम कंटेक्स्ट जानते हैं कि कब लिखी गई और किस कंटेक्स्ट में लिखी गई. तो हम सभी वाकिफ हैं कि मिर्ज़ा गालिब की सात औलादें हुई और सातों में से कोई नहीं थी. उनकी बेगम के एक नेफ्यू थे जिनका नाम जैनुल आबदी खा आरिफ था, जिनसे मिर्ज़ा गालिब बहुत क्लोज थे. एंड व्हेन ही डाइड तो उनकी मर्सिए के लिए ये गजल लिखी गई. शोक मना मर्सिया करना है उनकी शोक के उसमें ये गजल लिखी गई कि लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाओ माना कि नहीं आज से अच्छा कोई दिन और जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और. हाँ हाँ ए फलके पीर जमा था अभी आरफ. फलके पीर द ओल्ड स्काई मतलब पीर को एक ओल्ड सीनियर की तरह ट्रीट करते कहा जा रहा है कि हाँ ए फलके पीर जमा था अभी आरफ क्या तेरा बिगड़ता जो ना मरता कोई दिन और. नादां हो जो कहते हो कि क्यों जीते हो गालिब नादां हो जो कहते हो क्यों जीते हो गालिब किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और. बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे. नेक्स्ट किसके पास है? होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे. सर आप अपना कुछ एक एक्सप्लेनेशन बताना चाहेंगे कि क्या समझते हैं आप बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज फिलोसफी का खेती है. एक्चुअली ये दुनिया को तो देख रहा है वो कहते हैं बच्चों का खेल युवा से मैं युवा बाबू कितनी डिप्रेस ये जो कुछ भी हो रहा है ये तमाशा ही मेरे आगे मतलब बाजीचा अतफाल है बच्चों के खेलने का मैदान. तो ये दुनिया बच्चों के खेलने का मैदान है मेरे आगे और ये जो तुम छोटी छोटी बातों पे रोज झगड़े करते हो ये करते हो होता है शब ये बच्चों के झगड़े होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे. अगेन उसमें और ये अगेन ये हम जैसे बात कर रहे हैं हमको नहीं मालूम ये कंटेक्स्ट क्या था ये कब लिखी गई. ये शायद हम लोग आज बात कर रहे थे कि ये शेर सिर्फ गालिब अपने लिए नहीं कह रहा है ये शायद एक पूरी ह्यूमन रेस के लिए कह रहा है. कि इसमें आता है कि एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक. औरंगे सुलेमा सोलोमन या सुलेमान द बाइबल और कुरान में दोनों में आता है. एंड हिज थ्रोन वाज कंसीडर्ड टू बी वेयर ही सैट एंड गिव जस्टिस. एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक एक बात है एजाज है मसीहा मेरे आगे. एजाज चमत्कार मसीहा का चमत्कार भी एक बात ही है और कुछ नहीं है. और होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते नेहा फिनिश हो रहा है और घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे. कुछ तो बहुत शायद सबने सुने होंगे या यूज भी करे किए होंगे कि मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे. अब ये जो है इसमें सच कहते हो गए खुदबिन और खुदारान
हूं ना क्यों खुदबिन और खुदारा प्राउड और सेल्फ अडोरर कि मैं हूं तो सच कहते हो कि खुदबिन और खुदारा हूं ना क्यों हूं बैठा है बुते आईना सीमा मेरे आगे बुते आईना सीमा एक सिल्वरी मिरर है जो मेरे सामने है तो मैं खुद को देख के ये करता हूं अगेन दिस कैन बी द वर्ल्ड हाउ यू लुक एट थिंग्स और एनी अदर एक्सप्लेनेशंस अमिताभ जी good ashar the same like imam mujhe roke hai jo khiche hai mujhe kaaba mere piche hai kalisa mere aage abhi ye kaaba aur kalisa yahi ho sakta hai ek to literal sense mein there is the islam and the advent of christianity ya fir ek zamana jo ja raha hai aur britishers ki wajah se ek puri naya ek zamana aa raha hai because he traveled उन्होंने कलकत्ता में 2 साल रहे उन्होंने शिप्स देखी थी वहां पर उन्होंने पोस्ट का आता हुआ आते हुए देखा तो इट कैन बी जस्ट अ व्हाट डू कॉल अ शिफ्ट काबा मेरे पीछे है दैट इज काइंड ऑफ लीविंग बिहाइंड और कलीसा मेरे आगे ये अगेन ओपन टू इंटरप्रिटेशन है आप ये भी मान सकते हो कि सिर्फ फिजिकली है कि हां स्टैंडिंग दैट की मस्जिद इज पीछे एंड कलीसा मेरे आगे बट इट कैन वेरी वेल बी सिंबॉलिक दैट दिस इज समथिंग दैट उस एज में या 1857 के आसपास की एज में जब अंग्रेज एस्टैब्लिश हो रहे हैं तो शायद उन्हें ये फील आ रही है कि ये चीज पीछे जा रही है और जो व्हाट इज कमिंग फॉरवर्ड इज काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे और ये बहुत खूबसूरत है आई मीन एवरीवन नोस दैट ही लव ड्रिंकिंग और फिर देखिए अंदाज़े गुलफशानी है गुफ्तार अंदाज़े गुलफशानी है गुफ्तार जो फ्लारी स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशन होता है जो एकदम स्मूथ एंड ब्यूटीफुल ये फिर देखिए अंदाज़े गुलफशानी है गुफ्तार रखते कोई पैमा पैमाना है सहबा मेरे यार जब रखो एंड देन यू सी हाउ आई स्पीक और नफरत का गुमा गुजरे है मैं रश्क से गुजरा क्यों कर कहूं लो नाम नाम ना उनका मेरे आगे उन्होंने ये तो पढ़ा ही एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये अगेन ओपन टू डिस्कशन है कि आशिक हूं पे माशूक फरेबी है मेरा माशूक फरेबी जो माशूक को फरेब कर रहा है आशिक हूं पे माशूक फरेबी है मेरा काम मजरू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे और वो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है अब ये अगेन यू नो गुलजार साहब ने जब वो सीरियल बनाई थी उनका कंटेक्स्ट ये इस पे लिया था कि वो बेगम कहती है कि खाली बोतलें पड़ी है जो फिकवा देते हैं एनी सेड के गो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है मेरे हाथ में ताकत नहीं है उठाने की पर आंख तो अभी भी देख सकता हूँ रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे मैं देख लूंगा उसको और हम पेशा वो हम मशरब वो हमराज है मेरा हम पेशा वो हम मशरब वो हमराज जो सेम हैबिट्स रखता हो गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे तो ये तो एक अगेन बहुत फेमस वाली थी इसमें एक मतलब इसी के कंटेक्स्ट में एक लेटर का एक ब्रेक लेते हैं हम यहाँ पे कि जहाँ वो अपने आप को बाजीचा या अतफाल है दुनिया मेरे आगे वो अब हर चीज़ को खिलौना समझ रहे हैं और उसी हिज लेटर्स एंड हिज गज़ल्स आर कोइंसिडेंट एंड थॉट्स ऐसा नहीं है कि चिट्ठी में जो दोस्तों को लिख रहे हैं उसकी थॉट प्रोसेस अलग है और जो गज़ल में लिखा है उसकी थॉट प्रोसेस अलग है तो इसी मिजाज की चिट्ठी जब मिलती है अपने दोस्त अलाउद्दीन अहमद खां अलाई को लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनो आलम दो है दुनिया दो है एक आलम अरवा इस अरवा का लिटरल मीनिंग होता है सोल्स रूह है तो आलम अरवा होगी आपकी जन्नत तो एक आलम अरवा और एक आलम आबोगिल ये मिट्टी पानी की दुनिया तो सुनो आलम दो है एक आलम अरवा और एक आलम आबोगिल हाकिम इन दोनों आलम का वो एक है हर चंद कायदा आम ये है कि आलम आबोगिल के मुजरिम आलम अरवाह में सजा पाते लेकिन यूं भी हुआ है कभी कि आलम अरवाह के गुनाहगार को दुनिया में भेजकर सजा देते चुनांचे मैं द ही कंसीडर हिमसेल्फ टू बी अ रेसिडेंट ऑफ जन्नत तो चुनांचे मैं 8वीं रजब 1212 हिजरी में
रोककारी के वास्ते मुकदमेबाजी के वास्ते यहाँ भेजा गया। 13 बरस हवालात में रहा। एट द एज ऑफ 13 ही गॉट मैरिड। सो 13 बरस हवालात में रहा। 7 रजब 1225 हिजरी को मेरे वास्ते हुक्मे हब्स सादिर हुआ, उम्र कैद सादिर हुई, आई गॉट मैरिड। एक बेड़ी मेरे पाँव में डाल दी और दिल्ली शहर को जिंदा मुकर्रर किया। दिल्ली शहर को मेरी जेल मुकर्रर किया और मुझे इस जिंदा में डाल दिया। फिक्र नज्म व नसर को मशक्कत ठहराया। मतलब तुम पोएट्री लिखो, प्रोज लिखो, ये तुम्हारी सजा है। ये फिक्र नज्म व नसर को मशक्कत ठहराया। बरसों के बाद मैं जेल खाने से भागा। एंड दिस इज हिज कलकत्ता टूर 2 साल के लिए। तो बरसों के बाद मैं जेल खाने से भागा। 3 बार बिलाद शर्किया ईस्टर्न स्टेट्स में फिरता रहा। आखिरकार मुझे कलकत्ता से पकड़ लाए और फिर इस मजलिस में बैठा दिया। जब देखा कि ये कैदी गुरेज पा है, इसके पैर में चक्कर है, भाग जाएगा फिर से, कि जब देखा कि ये कैदी गुरेज पा है, 2 हथकड़ियाँ और बढ़ा दी। आरिफ के 2 बच्चे जो उनके घर में उन्होंने पनाह में लिए। मशक्कत मुकर्ररी और मुश्किल हो गई। ताकत या कलम जाहिल हो गई। बेहया हूँ। साले गुज़श्ता बेड़ी को जाविया जिंदा में छोड़कर मैं दोनों हथकड़ियों के साथ भागा। मेरठ मुरादाबाद होता हुआ रामपुर पहुंचा। कुछ दिन कम 2 महीना वहां रहा कि फिर पकड़ा गया। अब अहद किया कि फिर ना भागूंगा। भागूं क्या, भागने की ताकत भी नहीं रही। हुक्मे रिहाई देखिए कब सादिर हो। एक ज़ईफ सा एहतमाल है, एक वीक सा अंदाज़ा है कि इसी माह 1277 हिजरी में छूट जाऊँ। इज प्रिडिक्टिंग द डेथ ऑफ डेट ऑफ हिज डेथ। अब बाद रिहाई के तो आदमी सिवाय अपने घर के और कहीं नहीं जाता। मैं बाद निजात सीधा आलम अरवाह को चला जाऊँ। नेक्स्ट किसकी ब्लू पर्ची विल रीड? आई हैव द माइक सॉरी। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। इट सेज न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। सर आपको आई एम श्योर आगे की भी याद होंगी अमिताभ जी, कुछ तो पढ़िए। यस श्योर। हुआ जब गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर के कटने का, न होता यूं जुदा तन से तो जारों पर धरा हो। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। मेहरबान हो बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त। मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त। बताइए बताइए इसके पास ये लोग है जो भी। कोई बात नहीं, आपको याद है तो ऐसे बताइए। मैं गया वक्त नहीं कि वापस आ भी ना सकूं। मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त। मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी ना सकूं। ज़ौफ में तानाए अग्यार का शिकवा क्या है। ज़ौफ ज़ईफ से डराई है, वीकनेस ओल्ड एज। ताना है अग्यार दूसरे के ताने मारने का, अनजान के ताने मारने का। कि ज़ौफ में ताना है अग्यार का शिकवा क्या है। बात कुछ सर तो नहीं है कि उठा भी ना सके। और जहर मिलता ही नहीं मुझको सितमगर वरना, क्या कसम है तेरे मिलने की तेज आवाज आई कि खा भी ना सकती। मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त। फिर कुछ इस दिल एक दिल को बेकरारी है। किसके पास है ये लो चिप? सीना जोया है जख्मकारी। सीना जोया है जख्मकारी है। जेंटलमैन आप फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करोगे? सो माय हार्ट दिल को बेकरारी है फिर से। एंड माय माय चेस्ट इज माय जो सीना है इट्स इन सर्च ऑफ अनदर डीप वुंड। So why I like this is because it could
the cause and effect is very multivalent in this. Anything could be cause and anything could be effect. और इसी के आगे शेर है कि फिर जिगर खोदने लगा ना खून आमदे फसले लालाकारी फिर उसी बेवफा पे मरते हैं फिर उसी बेवफा पे मरते हैं फिर वही जिंदगी हमारी है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फिर खुला है दरे अदालत नाज अरे डोर ऑफ कोर्ट ऑफ ब्यूटीज है कि फिर खुला है दरे अदालत नाज गर्म बाजार फौजदारी पूरा लॉलेसनेस है क्योंकि ये खुला है और फिर दिया पारा है जिगर ने सवाल इज अ पीस ऑफ हार्ट एक फरिया दुआ हो जा रही है रिवीलिंग है और फिर हुए हैं गवाह इश्क के तलब फिर हुए हैं गवाह इश्क के तलब अश्क बारी का हुक्म जा इसमें रोना ही है ठीक है ये तो है ही और दिलो मिजगा का जो मुकदमा था मिजगा माने आई लैशेस का जो है ये दिलो मिजगा का जो मुकदमा था आज फिर उसकी रूह बकारी आज फिर से तुम्हारा सुनवाई है उसी में और ये भी अगेन वन ऑफ दोज फेमस वंस जो शायद सबने यूज किया हो कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने क्या बने बात ओ सॉरी कौन है नेक्स्ट जिसके पास है सॉरी क्या बने बात जहां बात बनाए नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है जब तक मुझे माने समझ नहीं आते थे कि नुक्ता ची इज वन हु इज क्रिटिकल ऑफ जो नुक्ताची नहीं करता है जो क्रिटिसाइज करता है तब तक मैं जिस तरह इस गजल को सुनती थी ऐसा लगता था कि वो गमे दिल का एडजेक्टिव है नुक्ताची क्योंकि यूजुअली जब गाने वाले पॉज लेते हैं तो नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने नुक्ताची के बाद होना चाहिए कि वो जो सामने है जिसे मुझे हालत दिल सुनाना है वो नुक्ताची नहीं करने वाला है क्रिटिकल है तो नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए न बने क्या बने बात जहां बात बनाए न बने मैं बुलाता तो हूं उसको मगर है जज्बा है दिल उसमें बन जाए कुछ ऐसी के बनाए न बने खेल समझा है कहीं छोड़ न दें भूल न जाएं काश यूं भी हो कि बिन मेरे सताए न बने गैर फिरता है लिए यूं तेरे खतकों के अगर गैर फिरता है लिए यूं तेरे खतकों के अगर कोई पूछे कि ये क्या है कि छुपाए न बने उस नजाकत का बुरा हो वो भले हैं तो क्या हाथ आवे तो उन्हें हाथ लगाए न बने मौत की राह न देखूं कि बिनाए न रहे तुमको चाहूं कि ना आओ तो बुलाए न बने बोझ वो सर से गिरा है कि उठाए न उठे काम वो आन पड़ा है कि बनाए न बने और ये शायद हम सभी लोग जितने लोग यहाँ हैं वो शेर जानते होंगे कि इश्क पर जोर नहीं है ये वो हदीस गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बने इस गजल में एक शेर है जिसका अगेन हमें रेफरेंस गालिब के खतूत में मिलता है जहाँ बहुत कम है जहाँ उन्होंने अपने शेर एक्सप्लेन किए हैं उनके मानी समझाए हैं और क्या किस तरीके से लिखा है तो इसमें जो शेर है कि मौत की राह न देखूं कि बिनाए न रहे उनको चाहूं कि ना आओ तो बुलाए न बने भाई मुझको तुमसे बड़ा ताज्जुब है कि इस बैत के मायने में तुमको तामूल रहा उनको हेजिटेशन रहा संकोच रहा इसमें दो इस्तफहाम आ पड़े दो पड़ाव हैं इसमें दो इस्तफहाम आ पड़े हैं कि वो बतरीके तानाओ तारीस माशूक से कहे गए मौत की राह ना देखूं क्यों ना देखूं मैं तो देखूंगा ही कि बिनाए ना रहे क्योंकि मौत की शान में ये बात है कि एक दिन आएगी ही इंतजार जाया ना जाएगा तुमको चाहूं क्या खूब क्यों चाहूं कि ना आओ तो बुलाए ना बने
यानी अगर तुम आप से आए तो आए, और अगर ना आए तो फिर क्या मजाल कि कोई तुमको बुला सके। तो गोया ये आजिज माशूक से कहता है कि अब मैं तुमको छोड़कर अपनी मौत का आशिक हुआ। उसमें ये खूबी है कि बिन बुलाए बगैर आए नहीं रहती। तुमको क्यों चाहूं कि अगर ना हो तो तुमको बुला भी ना सकती। मौत की राह न देखूं कि बिनाए ना रहे, और तुमको चाहूं कि ना आओ बुलाए ना बने। अरे ये गजल का ये मैं हर बार इससे बात करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है अगेन कि इनकी जो शायरी है वो अपने आप में इतनी बड़ी है कि अगर कोई गाने जाए तो शायद आप पूरी तरह जस्टिस नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पर भी हो गया राइट कि आप अगर अलग पॉज ले लिया आपने तो वो चीज़ें बदल गई। लेकिन जो कुंदन लाल सहगल का वर्जन है दैट इज द फाइनेस्ट एवर कि आपको शायद एक बार कन्फ्यूजन हो गया आप किसमें शायर की तारीफ करें या गायक की करें, और वो आपको चाहिए एक उम्र असर होते तक, यही शायद सबको पता है। कॉरेस्पॉन्डिंग कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होते तक। अब ये होने तक भी है दो वर्जन ऑफ यही गजल के में, दीवान के दो अलग अलग वर्जन में होते तक और होने तक। होने तक बहुत सुंदर गजल है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। दामे हर मौज में है हल्काए सद कामे नहंग, दामे हर मौज में है हल्काए सद कामे नहंग, देखे क्या गुजरे हैं कतरे पे गुहर होते तक। अब ये दामे हर मौज इस चेन ऑफ वेव्स एंड हल्का है सद कामे नहंग इस दोस हंड्रेड्स ऑफ एंगेजमेंट्स ऑफ वर्क यू हैव, ये एक इंसान को इतने सारी चीजें उसको थपेड़े झेलने उसको काम करना है, एक कतरे का गुहर इज मोती, जब वो मोती बनने में उसको कितनी प्रॉब्लम्स आती है, दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। और आशिकी सब्र तलब और तमन्ना भी, आशिकी सब्र तलब है वो कर रही है सब, और तमन्ना बेताब दिल का क्या रंग कर खूने जिगर को। और ये हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, तगाफुल इग्नोर, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर हो। और परतवे कूर से है शबनम को फना की ताली, परतवे कूर सन का जो रिफ्लेक्शन है वो शबनम को फना की ताली, मैं भी हूँ एक इनायत की नजर होने को। एक नजर बेश नहीं फुर्सत हस्ती गाफिल, गर्मी बस्म है एक रक्त से शरल होते तक। और गमे हस्ती का असर किस से हो जुज मर गिलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर। ये जो गम है हस्ती का उसका मौत के अलावा कोई इलाज नहीं, शम्मा हर रंग में जलती है सहर। वो keeps on changing right every time the candle along with the time spent। मेहरबा हो कि बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये उन चंद गजलों में से है जो शायद जिसके हर अशार एक मुहावरा बना, शायद बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। डरे क्यों मेरा कातिल क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। तो द वन हु हैज मर्डर्ड मी उसकी गर्दन पर कोई निशान नहीं है, बिकॉज द ब्लड हैज बीन फ्लोइंग आउट ऑफ माई आईज for days.
कातिल क्या रहेगा उसकी गर्दन पर वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले और निकलना खुल्द से आदम आदम का सुनते आए हैं लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे सूचे से हम निकले तो वो भी इंटेंसिटी जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक एपिटोम ऑफ इंसल्ट वाज कि जब जन्नत से आदम को निकाला गया था कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन उस मेरी इंसल्ट के बाद शायद सिर्फ वही एक इंसल्ट है या एक वो इंसल्ट है जिससे आई कैन कंपेयर कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले मगर लिखवाए कोई उसको खत तो हमसे लिखवाए हुई सुबह और घर से कान पर रखकर कलम निकले हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की तब जिनसे मुझे ये उम्मीद थी कि वो मेरे खस्ता हाल पे खस्ता हाल को अप्रिशिएट करेंगे या साथ देंगे कि हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की वो हमसे भी ज्यादा खस्ता है तेगे सितम निकले और मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का उसी को देखकर जीते हैं जिसका फिर दम निकले कहां मैं खाने का दरवाजा आलम और कहां वाइस वाइस प्रीचर कहां मैं खाने का दरवाजा आलम और कहां वाइस इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम हजारों ख्वाहिशें ऐसी इसमें भी जो एक वो शेर आता है खुदा के वास्ते पर्दा वो एक्चुअली नहीं है वो दीवान और वो उनके नाम से क्योंकि आई थिंक मीटर में है रिलीफ काफ़ी आई थी है तो उसके ऊपर भी बहुत सवाल है कि वो शायद उनका है भी कि नहीं बहुत सारी जगह वो लिस्ट नहीं किया जाता है इनफैक्ट खैर पब्लिश दीवान में भी नहीं है हाँ। दीवान की कॉपी अली सरदार जाफरी की भी जो कॉपी है उसमें भी नहीं है उर्दू अकेडमी से पब्लिश जो है उसमें भी नहीं है तो देयर आर रिसर्च पेपर विच सेज कि वो शेर उनका नहीं है देयर इज अ couple of research papers which says ki it is by Bahadur Shah Zafar but I seriously do not have any reference if it is right or not but bahut log ye mante hain ki ye alag ka nahi ji aap kya ye ye ka likha hua nahi nahi isme ek sher nahi hai ek sher nahi wo khuda ke waste parda na tha kaise utha zalim yani aisa na ho yahan ki wahi kafir sanam likh अब क्योंकि जो गुलजार साहब वाली जो सीरीज है और उसमें जगजीत सिंह के जो उन्होंने गाए थे दैट वाज प्रोबेबली द मोस्ट हमेबल वर्जंस ऑफ गालिब तो उनसे पहले जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था वो बेगम अख्तर का था तो वो सुनने वाला था ये वो शायद आप गा नहीं सकते आप गुनगुना नहीं सकते जगजीत सिंह का वर्जन सिर्फ ऐसा था जो गुनगुनाया जा सकता था और उसमें वो शेर है मगर वो दीवान में नहीं है तो वो नहीं है इनफैक्ट रेखता की साइड पे भी एक वो है एक लिस्ट है कि कौन से शेर गालिब को एट्रिब्यूटेड है और वो एक्चुअली गालिब के नहीं है उसमें भी ये शेर फीचर होता है ये शेर नहीं उनके द्वारा नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लू ब्लू चिट कोई उम्मीद बार नहीं आती कोई सूरत नजर सॉरी फिर बोल दिया मैंने आई जस्ट गो विद द फ्लो कोई उम्मीद पर नहीं आती किसके पास है येलो चिट विच जो आपको लगता है कि मैच करती है कोई उम्मीद पर नहीं आती कोई सूरत नजर नहीं आती किसी के पास नहीं है चलो कोई बात नहीं कोई उम्मीद बर नहीं आती जो जैसे कल इनॉग्रेशन में बात हो रही थी कि शायद गालिब नाउम्मीदी में जब वो व्हेन ही इज डिसअपॉइंटेड दैट इंटेंसिटी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इज अनमैचेबल प्रोबेबली इन इन व्हाटएवर टेक्स्ट और व्हाटएवर पोएट्री दैट वी हैव अवेलेबल इज कि कोई उम्मीद बर नहीं आती कोई सूरत नजर नहीं आती मौत का एक दिन मुअय्यन है एक दिन फिक्स्ड है जिस दिन मौत आनी ही आनी है मौत का एक दिन मुअय्यन है
नींद क्यों रात भर नहीं आती? इसकी मेरी एक इंटरप्रिटेशन इस तरीके से थी कि यार जब एक दिन फिक्स है कि जिस दिन मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाती, सारी चीजें जितने भी रोज के झंझट झगड़े दुख दर्द हैं, एक दिन भगवान ने लिखा है जिस दिन सब खत्म हो जाना है, तो ये थॉट मुझे इतना सुकून क्यों नहीं देता कि मुझे नींद ही आ जाए? कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, किसी बात पर नहीं आती। जानता हूँ सवाब इताअत तो ज़ोहद, मुझे पता है कि प्रेयर में और ओबेडियंस में सवाब है, पुण्य है, तो जानता हूँ सवाब इताअत तो ज़ोहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। और है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती? है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती? दागे दिल गर नजर नहीं आता, यू कैन नॉट सी द मून ऑफ माय हार्ट। तो दागे दिल गर नजर नहीं आता, वो भी अचारा गर नहीं आती, कैन यू नॉट स्मेल दैट इट इज रॉटिंग? दागे दिल गर नजर नहीं आता, वो भी अचारा गर नहीं आती, हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। काबे किस मुंह से जाओगे आदत, शर्म तुमको मगर नहीं आती, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। एक इसी के साथ एक रेफरेंस में एक बात है उनका, कि हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं है। यही थॉट अगर उनके खतूत में ढूंढते हैं, तो ये वाले खतूत में बहुत जगह मिलता है। दिस इज वन लेटर वेयर यू गेट दिस सिमिलर लाइन ऑफ थॉट। क्या कहते हैं कि या खुद से भी तवक्को नहीं, मखलूक का क्या जिक्र, दुनिया का क्या जिक्र, कुछ बन नहीं आ रही, अपना आप तमाशा ही बन गया हूँ, रंजो जिल्लत से खुश होता हूँ, यानी मैंने अपना अपने को अपना गैर तसव्वुर किया। जो दुख मुझे पहुंचता है कहता हूँ लो गालिब को एक और जूती लगी। बहुत इतराता था कि मैं बहुत बड़ा शायर और फारसीदा हूं, आज दूर दूर तक मेरा जवाब नहीं, ले अब तू कर्जदारों का जवाब। इट इज सेड दैट व्हेन ही डाइड, उस जमाने में 20,000 रुपए का कुछ डेट था, तो ये कह रहे हैं कि ले अब तू कर्जदारों का जवाब दे। सच तो यूं है कि गालिब क्या मरा, बड़ा मुलहिन मरा, बड़ा काफिर मरा। हमने आज राहे ताजीम विद रिस्पेक्ट, हमने आज राहे ताजीम जैसा कि बादशाहों को बाद उनके जन्नत आरामगाह और अर्श नशीं खिताब देते हैं, और चूंकि ये अपने आप को शाहे कलमरो ए सुखन जानता था, सकर मकर और हाविया जाविया खिताब तजवीज कर रहा है खुद को, मतलब हाविया जाविया वो जहन के सबसे नीचे भाग में रहने वाला। आइए नजमुद्दौला बहादुर एक कर्जदार का गिरेबां में हाथ और एक कर्जदार हिसाब सुना रहा है, और मैं पूछ रहा हूं अजी हजरत नवाब साहब, नवाब साहब कैसे उगलान साहब, आप सलजुकी और अफरासियाबी हैं, ये सलजुक और ये उनका जो लीनियज है, आप सलजुकी और अफरासियाबी हैं, ये क्या बेहुरमती हो रही है, कुछ तो उकसो, कुछ तो बोलो, क्या बोले बेहया बेगैरत, कोठी से शराब गंदी से गुलाब बाजार से कपड़ा मेवा फरोशों से आम सर्राफ से दाम कर्ज लिए जाता है लिए जाता है, ये भी सोचा होता कहां से दूंगा। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, another of those anthems, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, नहीं इंतजार होता उनके पास, उनके पास चेतन हम अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, यार का दीदार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, तेरे वादे पे जिए हम, मैंने बोला कि आई यूज दिस इन माय अप्रेजल मीटिंग टू माय बॉस, कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मरना चाहते अगर है
debate and wo aapko wahan apna manifesto suna rahe hain she se mar na jate agar aitwar hota spiritual leaders jo aapko ye kahenge ki acha karo acha hoga aapke karam ye hain at times you're like she se mar na jate agar aitwar hota koi mere dil se puche tere teer neem kash ko ye khalish kahan se hoti jo jigar ke paar hota ye kahan ki dosti hai and this particular share is again relevant in our modern times also ye kahan ki dosti hai ki bane hai dost na se dost preach kar lecture dene wale nasihat dene wale bane hue hain ye kahan ki dosti hai ki bane hai dost na se koi chara saaz hota koi gam saaz somebody would have empathized instead of preaching ki rag rag hai sang se tapakta sang patthar beams on the kuch keh rahe hain nahi kahiye it's an interactive discussion everybody is welcome rag hai sang se tapakta wo lahu ke phir na thamta jise gam samajh rahe ho ये अगर शरार होता गम अगरचे जा गुसल है गम अगरचे जा गुसल मतलब जा की आफत बना है कि गम अगरचे जा गुसल है पर कहां बचे के दिल है गमे इश्क अगर ना होता गमे रोजगार होता कहूं किससे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार उसे कौन देख सकता कि यगाना है या यगाना है वो यक्ता जो दुई की बू भी होती कहीं दो चार होता और ये मसाइल तसव्वुफ ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयां गालिब तुझे हम अली समझते जो ना बादा का खुद को ही कह भी रहा है مسائل تصوف your thoughts about the world and philosophy and the way you describe it not tera bayan galib tujhe hum wali samajhte I would have called you a saint for that matter jo na bada khar ko tujhe hum wali samajhte jo na bada khar you missed out this one hue mar ke hum jo rasua hue kyun na har ke dariya na kahin jaata kahin bazaar hota और कौन सी बूथ बची हाँ जी बताइए दिले नादान तुझे हुआ क्या है तो इसकी दवा बताने की जरूरत ही ये भी बहुत फेमस हुई थी और ये पढ़ने में आया था कि जब उनकी जवानी की जो गजलें हैं वो शायद ज्यादा डिफिकल्ट थी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेयर्स और लैंग्वेज भी and during his later years the language became much simpler but they were more layered again a lot of philosophy jaise ye hai isme ke dil nadan tujhe hua kya hai aakhir is dard ki dawa kya aur hame mushtaq aur wo bezaar interested aur wo bezaar ya ilahi ya mazira kya hai main bhi muh mein zuban rakhta hu kaash poochho ke mudda kya hai और जबकि कुछ भी नहीं कोई मौजूद फिर ये हंगामा है खुदा क्या ये परी चेहरा लोग कैसे हैं गमजाए इश्वा अदा क्या है और ये इतना आई मीन ये इसके ऊपर इतना ज्यादा पूरा यू कैन लाइक गिव ऑल योर इंटरप्रिटेशंस सिंपलेस्ट टू द कोर ऑफ बीइंग सिंपल सब्जा उगुल कहां से आए हैं अब्र क्या चीज हवा क्या कितने लेयर्स हो सकते हैं और ये तो आई थिंक पार्लियामेंट में भी कई बार बोला गया है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है और हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है और ये बहुत खूबसूरत है कि जान तुम पर निसार करता हूं मैं नहीं जानता दुआ क्या है दुआ क्या है प्रेयर क्या है वो कैसे करते हैं वो सब मुझे नहीं पता जान तुम पर निसार करता मैं नहीं जानता दुआ क्या और मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या येलो
अच्छी है पर मेरे सिर्फ सेकंड कोई बात नहीं सेकंड लाइन पढ़ी जिसके पास फर्स्ट हो दे कैन मैच इट मैच इट ओके सो आई थिंक इट स्टार्ट्स विद इब्ने मरियम बुआ कर करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई Ghalib is almost being cynical and almost atheist, and he's questioning the existence of Jesus or any God. He says, I know the stories of Jesus and the miracles that he did, but I won't accept him unless he comes and cure my pain. Exactly. Dua kare koi. Ibn Maryam, Maryam ka beta hai, to dua kare koi. Mere dukh ki bhi dawa kare koi. और शरे आइन पर मदार सही मुझे मालूम है कोड ऑफ कंडक्ट शरे आइन पर मदार सही ऐसे कातिल का क्या करे कोई और अगेन गजल की स्पेशलिटी है कि यहाँ पर ये आपका जो सिनिकल है और फिर ऐसा शेर भी आता है कि चाल जैसे कड़ी कमान का तीर दिल में ऐसे के जा करे कोई और बात बात पर वा जबा कटती है वो कहे और सुना करे कोई ये बहुत खूबसूरत शेर है मुझे एटलीस्ट बहुत पसंद है कि बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ कुछ न समझे खुदा करे कोई और अब ये भी एक ऐसी का शेर है कि न सुनो अगर बुरा कहे न सुनो अगर बुरा कहे न कहो अगर बुरा करे कोई एक अगेन वो न्यूट्रल व्यू है कि है तो ठीक है और कौन है जो नहीं है हाजत जरूरतमंद और किसकी हाजत रवा करे कोई और इसमें एक शेर आता है कि क्या किया खिजर ने सिकंदर से खिजर का अगेन ये हिस्टोरिकल फिगर है कि गाइड या एक प्रोफेट था जिन्होंने डिस्कवर द फाउंटेन ऑफ लाइफ क्या किया खिजर ने सिकंदर से मुझे इसकी पूरी स्टोरी मुझे नहीं पता है कि मे बी सिकंदर मिला था उससे एंड स्टिल ही डाइड Right, eventually. अब किसे रहनुमा करे कोई एक हिजर ने क्या किया सिकंदर से अब किसे रहनुमा करे कोई और जब तवक्को ही उठ गई गालिब क्यों किसी का हिला करे अगेन एक खतूत इसी कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं कि इब्ने मरियम हुआ करे ये खत उन्होंने मुंशी हरगोपाल तुफ्ता को लिखा है एंड समवेयर इन 1859 जहाँ दिल्ली बर्बाद हो रही है जहाँ जैसे कल भी अशोक वाजपेयी अपने डिस्कशन में बोल रहे थे कि शायद वो डिसअपॉइंटेड थे लाइफ से बट 1857 क्रश्ड है उससे पहले प्रोबेबली डिसअपॉइंटमेंट कहीं छुपी हुई मिलती थी कहीं एक पॉजिटिविटी भी मिलती थी पर 1857 जस्ट ब्रॉट हिम टू शैटर्स तो मुंशी हरगोपाल तफ्ता को एक खत लिखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे इंतकालात जहन ने मारा तुम्हारी डेथ ऑफ ब्रेन्स जस्ट किल्ड कि तुम्हारे इंतकालात जहन ने मारा मैंने कब कहा था कि दुनिया में कोई सुखन फहम और कदरदान ना होगा मगर बात यह है कि तुम मश्क ए सुखन मश्क इज मेहनत सुखन अपराइटिंग मगर बात यह है कि तुम मश्क ए सुखन कर रहे हो और मैं मश्क के फना में मुस्तगरक जीस्त बसर करने को कुछ थोड़ी राहत दरकार बाकी हिकमत और सल्तनत और शायरी और साहिरी सब खुराफा हिंदुओं में कोई अवतार हुआ तो क्या और मुसलमानों में कोई नबी बना तो क्या दुनिया में नाम आवर हुए तो क्या और गुमनाम जिए तो क्या कुछ वजह माश गुजर बसर का साधन तो कुछ वजह माश और कुछ सेहत जिस्मानी फिजिकल कुछ वजह माश और कुछ सेहत जिस्मानी बाकी सब वहम है यार जाने हर चंद वो भी वहम है मगर मैं अभी इसी पाए पे हूँ अभी इसी स्टेप तक पहुंचाऊंगा फिर लाइटन में शायद आगे बढ़कर ये पर्दा भी उठ जाए और वजह मईश और सेहत और राहत से भी गुजर जाऊं आलम बेरंगी में गुजर पाऊं जिस सन्नाटे में हूँ वहां तमाम आलम बल्कि दोनों आलम का पता नहीं हर किसी का जवाब
मुताबिक सवाल के लिए जाता हूँ और जिससे जो मामला है उसको वैसा ही बरत रहा हूँ। लेकिन सबको वहम जानता हूँ, ये दरिया नहीं है शराब मिराज है, ये दरिया नहीं है शराब है, हस्ती नहीं है पिंदार ईगो। हम तुम दोनों अच्छे खासे शायर हैं, माना कि सादी और हाफिज के बराबर मशहूर भी रहेंगे, उनको शोहरत से क्या हासिल हुआ जो हम तुमको। और एक बहुत यूनिक चीज उनकी जिंदगी की मैं लेटर्स में, प्रॉब्लम्स तो थे, दुख बहुत, डेट था, बच्चे नहीं थे, गरीबी थी, किले में तब नहीं थे, जब तक जौक थे तब तक तो नहीं था, फिर भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर जो आप पूरे उसमें दिखती, तो ये शायद और भी हमको नज़दीक लेके जाती है गालिब से, कि जैसे हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि एक अपना पन जो गालिब के साथ आता है वो और किसी शायर के साथ नहीं। जैसे एक दफा गुलजार साहब ने कहा था कि गालिब को आप चचा कहते हो, मोमिन को मामा नहीं कहते, चचा गालिब वाला रिश्ता सिर्फ गालिब के साथ, सिर्फ मिर्ज़ा गालिब के साथ, वो अपनाइयत वाला रिश्ता, वो अपनेपन वाला रिश्ता बहुत आवाम है, चचा गालिब के साथ ज्यादा जुड़ा है। I would just like to add here, the non-existentialism which Ghalib, portrayed, tried to write about in his poetry, wherein he says it's not hasti, it is just pindar. So in one of the ghazals, the ghazal is, agar khamoshi se fayda ek fay hal hai, khush hoon ki meri baat samajhni muhal hai, hasti ke mat fareb mein a jaiyo asad, alam tamam halka hai dame khayal. ऐसे ही जो हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे कि सेंस ऑफ ह्यूमर, तो इससे वो एक किस्सा उनका याद आता है, शायद बहुत लोगों ने सुना होगा कि फारसी के उस्ताद के लिए, जिसे भी हम उस समय दिल्ली कॉलेज कहा करते थे, तो एक अंग्रेज गवर्नर थे मिस्टर थॉमसन, सेक्रेटरी गवर्नमेंट थे, वो फारसी का एक उस्ताद कॉलेज में नियुक्त करना चाहते थे, और मिर्ज़ा गालिब को तीन लोगों को न्योता दिया गया था, जिसमें से मिर्ज़ा गालिब सबसे पहले गए सो कॉल्ड इंटरव्यू देने, तो अपनी शान शौकत पालकी और कहार और उसके साथ, और बाहर इंतज़ार करते रहे। तो प्रिंसिपल ने बाहर आके कहा कि देखिए आप यहाँ दरबार में नहीं आए हैं, आप दरबार में आते तो आपकी इस्तकबाल होता, आपका वेलकम किया जाता, आप यहाँ नौकरी के लिए आए हैं तो आपको उतर के अंदर आना पड़ेगा, ये अगेंस्ट व्हाट वी कॉल द प्रोटोकॉल है। तो वो ये मतलब बावजूद इसके कि अच्छा खासा कर्ज था सर पे, बावजूद इसके कि पैसों की जरूरत थी, वो वहां से वापस चले आए। भाई नौकरी हमने अगर मेरी रेपुटेशन में नौकरी से कमी आती है तो मुझे नहीं, हम तो इसलिए आए थे कि हमारे उसमें इजाफा होगा, और अगर मुझे उतर के जाना पड़ रहा है तो वही है कि मैं मुलाजिम की हैसियत से नहीं गया था, मैं मुलाजिम की हैसियत से नहीं, वो फारसी के उस्ताद की हैसियत से गया, उनको आना था मुझे। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस समबडी टेल्स हिम कि देखो आपके अलावा सिर्फ दो और नाम थे, तीन लोगों के नाम थे, आपको फारसी का उस्ताद की नौकरी कर लेनी चाहिए। तो सवाल ये था कि दूसरा और तीसरा कौन था, नंबर वन तो मैं हूँ, पहला तो मैं, दूसरा और तीसरा कौन था, और एक मोमिन थे उसमें, और एक क्या नाम, मोमिन तो थे डेफिनेटली, एक और म्यूचुअल, आई थिंक वी स्टिल हैव नॉट रन आउट, कुछ बची जी जरूर। दर्द में दर्द कश दवा न हुआ, दर्द में ये गजल हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस हो चुकी है, दर्द मिन्नत कश दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ, बुरा ना हुआ, पूरी
ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं तो एक बार टुवर्ड्स दी एंड आते हैं अगर टाइम परमिट्स. ब्लू चिट किसी के पास अभी रहती हुई है, कम से कम दो या तीन और रहती हुई है के पास. ब्लू चिट ऐसे आई वुड सो एनीवे जो और पार्ट एनीबॉडी क्या चली गई सॉरी. चलिए येलो पढ़ दीजिए, येलो की फर्स्ट देख लेते हैं कौन सी. येलो की फर्स्ट लाइन ले ले तो उल्टा करता है. दर्द का हद से गुजरना दवा हो जाए. इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाए. इशरत कतरा कतरे का मुकद्दर है कि दरिया में फना हो जाना लेजर है. दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना. और तुझसे किस्मत में मेरी सूरत कुफल अबजद. तुझसे किस्मत में मेरी सूरत कुफल अबजद. लॉक विद अ कोड या पजल जिसको कहते हैं. था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना. दिल हुआ कश्मकशे चारा है जहमत में तमाम. कश्मकशे चारा है जहमत में तमाम. मिट गया घिसने से उस उकदे का वाह हो जाना. और अब जफा से भी है महरूम हम अल्लाह अल्लाह. अब जफा से भी है महरूम हम अल्लाह अल्लाह. इस कदर दुश्मन अरबा बेवफा हो जाना. और दिल से मिटना तेरी अंगुश्त हिनाई का ख्याल. दिस अगेन इज वन ऑफ दोस वेरी वेरी इंटेंस. वेरी इंटेंस एंड अ वेरी डिफरेंट के लेट मी फिनिश एंड देन वी टॉक अबाउट दिस. कि दिल से मिटना तेरी अंगुश्त हिनाई का ख्याल. हो गया गोश्त से नाखों का जुदा हो जा. अंगुश्त हिनाई वो उंगली जिसके ऊपर हिना लगी हो. और दिल से उसका ख्याल मिटना उसका कंपैरिजन है कि गोश्त का नाखों से जुदा हो जा. एंड इट्स वन ऑफ द फ्यू मोस्ट पेनफुल थिंग्स एवर हैपेंड. एंड इस तरह की कंपैरिजन शायद पहले कहीं नहीं, मैंने तो इसके बाद भी कभी नहीं देखी. दिल से मिटना तेरी अंगुश्त हिनाई का ख्याल. हो गया गोश्त से नाखों का जुदा हो जाना. और गर नहीं निखते गुल को तेरे कूचे की हवस. क्यों है दर्द रह जौला जौला पे जौलाए सबा हो जाना. और ये ऐसी एक है कि जिसमें मक्ते के बाद भी एक शेर आता है. जनरली मक्ते में गजल खत्म हो जाती है. ये बख्शे है जलवाए गुल जौ के तमाशा गालिब. चश्म को चाहिए हर रंग में वाह हो जाना. और उसके बाद आता है कि ताकि तुझ पर खुले एजाज हवाए साइकिल. लाइक द मिरेकल ऑफ बाइटिंग कोल्ड विंड्स दैट इज व्हाट द लिटिल मीनिंग इज. कि ताकि तुझ पर खुले एजाज हवाए साइकिल. देख बरसात में सब्ज आईने का हो जाए. तो ये भी बहुत कम देखने को मिलता है कि मक्ते के बाद भी शेर आ रहा है. और एक या दो चिट्स होंगे. एक और चिट्स होगी किसी रिप के पास. येलो चिट और आई थिंक एक और थी प्रोबेबली. ये बहुत लंबी गजल है. हम सारे तो ऑलमोस्ट 16 शेर थे इसमें. और इसमें कुछ कुछ अगेन जो बहुत फेमस हुए थे. कि मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए. मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए. जोश कदह से बज़्मे चरागां किए हुए. करता हूँ जमा फिर जिगरे लख्त लख्त को. अरसा हुआ है दावते मिशगां किए हुए. और दिल फिर तवाफ कूवे मलामत को जाए है. अभी ये इतना खूबसूरत है. तवाफ कूवे मलामत. दिल फिर तवाफ कूए मलामत को जाए है. पिंदार का सदम कदा वीरां किए हुए. इट्स वेरी यू नो फैसिनेटिंग. जो पिटे हुए आशिक होते हैं वो जहां पे पिटाई होती है वहां फिर जाना चाहते हैं. एग्जैक्टली ये वो जगह है जहां पर आपको एब्सोल्यूट ह्यूमिलिएट किया गया. अगर दिल फिर तवाफ कूए मलामत को जाए. तवाफ तवाफ रेफर्स टू द सर्कमएम्बुलेशन इन द मक्का. मक्का जो तवाफ पूरी हो गई एक चक्कर जो होता है.
फिर से वही करना है, वही जाना है, और पिंदार का सनम कदा वीरा किए हुए। और ये भी बहुत खूबसूरत है, एंड लाइक अगेन हाउ यू टेक इट, कि फिर चाहता हूँ नामाए दिलदार खोलना, नामाए दिलदार, दिलदार नामा जो है, फिर चाहता हूँ नामाए दिलदार खोलना, जहाँ नजरे दिल फरेबी उनवा किए हुए, नजरे दिल ए फरेबी उनवा, कि ऑफरिंग ऑफ डिसेप्शन, में वो टाइटल दूंगा नामाए दिलदार को, कि उसने जो दिया है वो जो नामा जो मैंने लिखा है उसके बारे में, ऑफरिंग ऑफ डिसेप्शन आई विल गिव द टाइटल टू दैट। और मांगे है फिर किसी को लबे बाम पर हवस, जुल्फे सिया रुख पे परेशान किए हुए। और ये भी एक अगेन यूनिक है कि चाहे है फिर किसी को मुकाबिल में आरजू, आरजू है मुकाबले की, और सुरमे से तेज दशनाए मिजगां किए हुए, कि लाइक वो जो आईलैशेस है वो सुरमे से उन्होंने डैगर जैसी बना दी थी, कि चाहे है फिर किसी को मुकाबिल में आरजू, सुरमे से तेज दशनाए मिजगां किए हुए। और एक नौ बहार नास को ताके है फिर निगाह, नौ बहार एक लवर जो है उसको ताके है फिर निगाह, चेहरा फरोगे मैं से गुलिस्तां किए हुए। ये जो फरोगे मैं से गुलिस्तां जो ग्लो है वाइन का, वो लाकर उसको ताक रहे हैं, कि एक नौ बहार नास को ताके है फिर निगाह, चेहराए फरोगे मैं से गुलिस्तां किए हुए। और फिर जीम है कि दर पर किसी के पड़े रहे, और वो पड़े रहे ही है एग्जैक्टली, वो दामन ना क्या था वो सर जेरे बार मिन्नत के दरबार किए हुए। और इसका मतलब है कि जो वो गेट कीपर है वो उसके एहसान की वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज द ओनली वे द ग्रैटिट्यूड इसके। फिर जी में है कि दर पर किसी के पड़े रहे, सर जेर बार मिन्नत दरबा किए हुए। और ये शायद आप सबको मालूम होगा कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। और इसका आखिरी जो मक्ता है कि गालिब न हमें न छेड़, कि फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए, हमें ना छेड़ के जो जो जोश है अश्क का उससे वो डिटर्मिनेशन है एक स्टॉर्म लाने का, तो फिर बैठे हैं हम तहई आए तूफान किए हुए। दिस वन मोर, फिर पुरशिशे जराहते दिल को चला है इश्क, सामान सद हजार नवद्दा किए हुए, सद हजार नवद्दा किए हुए। एक्चुअली मैंने इसमें बहुत सारे शेर है, 16 शेर है, मैंने बहुत लंबी 16 शेर है। अब एक थोड़ा सा बहुत भारी गजल के बाद एक हल्का फुल्का खत लेकर, तो जैसे हमने वो गो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दे अभी सागरों मीना मेरे आगे। जैसे प्रेरक बता रहे थे कि उन्होंने अपनी चिट्ठियों में शराब भी मंगवाई है, उसके ब्रांड के लिए भी वो पर्टिकुलर है, तो ऐसी ही एक चिट्ठी गोविंद सहाय को उन्होंने लिखी है कि बरखुरदार बहुत दिन हुए मैंने तुमको खत लिखा है, अब इस खत का जवाब जरूर लिखो और जल लिखो। दो सवाल हैं तुमसे, एक तो ये कि यहाँ मशहूर है कि नवाब गवर्नर जनरल बहादुर इलाहाबाद से कानपुर आ गए, कोई कहता है आवेंगे, इसका हाल जो कुछ तुमको मालूम हुआ लिखो। दूसरा सवाल ये कि दो किस्म की अंग्रेजी शराब, एक तो कास्टेलन और एक ओल्टॉक, ये मैं हमेशा पिया करता था और ये दोनों किस्म 20 रुपए हद 24 रुपए दर्जन आती थी, अब यहाँ पहले तो नजर नहीं आती थी, अब 50 रुपए और 60 रुपए दर्जन आती थी। नजर की बात है अभी भी। वहां तुम दरियाफ्त करो कि उसका निर्ख क्या है, उसका प्राइस क्या है, और ये भी मालूम करो कि बतरीके डाक पहुंच सकती है या नहीं। ये दोनों अमृत दरियाफ्त करके मुझको जल लिखो, अगर वह कीमतें मुनासिब हाथ आए और उसका भेजना मुमकिन हो तो यहाँ से रुपए की हुंडवी भेज दूं और तुम खरीद कर बैलगाड़ी की डाक पर रवाना कर दूं। जाड़ों में मुझको बहुत तकलीफ है और ये गुड़ छाल की शराब रम, और ये गुड़ छाल की शराब मैं नहीं पीता, ये मुझको मजर्रत करती और मुझे उससे नफरत है।
जरूरी जवाब तलब एंड इसमें व्हेन ही साइनिंग ऑफ दिस राइटिंग की अज गालिब जा बलब मतलब जिसके प्राण बिल्कुल मुंह को आए हुए हैं अज गालिब जा बलब अरे कब जो बहुत ये है ये रंग खाने में दिले बुदा दिले नाकाम बहुत है अनइंटेलिजेंट है वो रंग खाने में बुदा दिले नाकाम बहुत है ये रंज की कम है मैं गुलफाम बहुत और इसी में एक आई थिंक ये भी काफ़ी फेमस है जो उन्होंने खुद के लिए कहा है कि होगा कोई ऐसा भी जो गालिब को ना जाने होगा कोई ऐसा भी कि जो गालिब को ना जाने कि शायर तो वो अच्छा है मैं बदनाम बहुत अब ये अपने आप में जैसे अगेन आप सी लाइक एवरी पीस ऑफ आर्ट राइट आपका परसेप्शन आप उसको कैसे लेते हो द मोर यू रीड द मोर डिफरेंट मीनिंग्स कम यहाँ पर एक दोनों साथ में लाइक टू थिंग्स एट द सेम टाइम ये होगा कोई ऐसा भी शहर में जो गालिब को ना जाने वो इतना फेमस है एंड ही इज राइटिंग अबाउट हिमसेल्फ आई एम देयर एवरीवन नोस शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है तो यहाँ पर उन्हें बनाया एक और यहाँ पर तोड़ भी दिया उसे तो ये बहुत यूनिक चीजें उनके उसमें मिलती है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लोगों ने यहां तक कहा है कि गालिब ने उनके टाइम में नॉर्मल और जो मौजू शायरी थी उसके साथ बिल्कुल वो किया जो पार्टिकल फिजिक्स ने ट्रेडिशनल फिजिक्स के साथ ही चैलेंज्ड एवरीथिंग एंड आई थिंक यूट्यूब पर एक वीडियो है कि गालिब एकेडमी में किसी ने एक पूरा लेक्चर दिया था कि गालिब्स पोएट्री एंड साइंस तो अगेन इट्स हाउ यू लुक एट इट राइट अगेन देयर आर सो मेनी थिंग्स इन हिज पोएट्री व्हिच कीप ऑन कमिंग द मोर यू रीड वही जो हमने के जो हम बैठक करते हैं तो उसमें भी जैसे अभी हम अभी उतनी इंटरैक्टिव बैठक नहीं हो रही क्योंकि यहाँ बहुत फासला है तो बैठक में एक दफ़ा गालिब की एक अगेन तीन अशार की गज़ल है कि रही है अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हम सुखन कोई ना हो और हम जुबा कोई ना मतलब जो मेरी बात समझे जो मेरी बात वो भी कोई ना ना पोएट को या मुझे या मेरी परसेप्शन ये थी कि अगेन वो एक हाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हाइट ऑफ डिप्रेशन है कि रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना और एक मैडम आई थी साधना जैन उनका नाम था वो कहती कि मुझे ये फील आती है कि ये वो उससे आगे का शेर है कि दर्द का हद से गुजरना है दवा होगा एंड आई एम इन दैट स्टेट ऑफ ब्लिस कि यार अब मुझे ऐसी जगह जाकर रहना है जहाँ कोई ना आई डोंट नीड दैट इट्स नॉट दैट आई एम डिसअपॉइंटेड विद दैट आई डोंट नीड कि रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो हम सुखन कोई ना हो और हम जुबां कोई ना हो पढ़िए अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार केयर करने वाला आपकी तीमारदारी करने वाला कोई ना और अगर मर जाइए तो नहा खुआ कोई ना रोने वाला कोई ना बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए मुझे भी लाइन शायद याद नहीं है तो दीज आर डिफरेंट डायमेंशंस जो आप की जब आप बार बार पढ़ते हो या जिस मूड में पढ़ते हो जिस स्टेट ऑफ माइंड में पढ़ते हो जिस एज में पढ़ते हो इट्स अ वाइन वो नशा धीरे धीरे एज होता है पोएट्री इज अ बॉटल्ड वाइन और अगेन यही कि हमको नहीं पता है ये कब लिखा गया था किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था जैसे ये था कि जोर से बाज आए पर बाज आए क्या वॉयलेंस से ये कहते हैं हम तुझको मुंह दिखलाएं क्या रात दिन गर्दिश में है साथ आसमां हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराए और लाग हो तो उसे हम समझे लगाओ जब न हो कुछ भी तो धो आए क्या और पूछते हैं वो कि गालिब कौन कोई बतलाओ कि हम बतलाए अब ये आदमी खुद को डिस्क्राइब नहीं कर सकता पूछते हैं वो के गालिब कौन कोई बतलाओ के आई एम इनडिस्क्राइबेबल एट द सेम टाइम मतलब अगेन ये दिस इज आवर कन्वर्सेशन जब हम ये कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब ने अपने लिए सारे शेर खुद ही लिखे मतलब तुम क्या लिखोगे मजाक भी मैं खुद ही उड़ा लूंगा आपको करने की जरूरत भी नहीं है खबर थी गर्म के गालिब के उड़ेंगे बुर्जे देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ तो मजाक भी मुझे ही उड़ाना है अप्रिसिएशन भी मुझे ही करनी है
अब ये जो पूरा इवेंट है ऑफ गालिब की दिल्ली 1857 जैसे पहले भी बात की हमने 1857 के जो उनके आसपास के जो उनके खतूत हैं वो दिल्ली की हिस्ट्री और जो उस समय का माहौल था उसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसी ये एक खत नहीं है, ये दो तीन खतों से मिलाकर हमने कुछ चीज़ बनाई है कि 11 मई 1857 को यहाँ फसाद शुरू हुआ। मैंने उसी दिन से घर का दरवाज़ा बंद और आना जाना मौकूफ कर दिया। बेशकल जिंदगी बसर नहीं होती, अपनी सरगुजिश्त लिखनी शुरू की। जो सुना गया वो भी जमीमा ए सरगुजिश्त करता गया। और मैं जिस शहर में हूँ उसका नाम दिल्ली और उस मोहल्ले का नाम बल्ली मारों का मोहल्ला है। राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वाली राजा नरेंद्र सिंह बहादुर पटियाला ने साहिबा ने आलिशान से ये अहद ले लिया था कि बर वक्त गारते दिल्ली, दिल्ली पे जब मुसीबत हो ये लोग बचे रहे। चुनांचे बाद फतेह राजा के सिपाही यहाँ आ बैठे और ये कूचा महफूज रहा। वरना मैं कहाँ और ये शहर कहाँ। दिल्ली को वैसा ही अब जानते हो जैसा आगे थी। कासिम जान की गली मीर खैराती के फाटक से फतेहुल्ला खां बेग के फाटक तक बेचराग है। हाँ अगर आबादी है तो ये गुलाम हुसैन खां की हवेली अस्पताल है और जियाउद्दीन खां के कमरे में डॉक्टर साहब रहते हैं। और काले साहब के मकानों में एक और साहिबाने आलिशाने इंग्लिस्तान तशरीफ रखते हैं। लाल कुएं के मोहल्ले में खाक उड़ती है आदमी का नाम नहीं। शहर का हाल मैं क्या जानूं, शहर का हाल मैं क्या जानूं क्या है। कौन टूटी कोई चीज है जो जारी हो गई है, सिवाय अनाज और उपले के कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर महसूल ना लगा। जामा मस्जिद के गिर्द 25-25 फुट गोल मैदान निकले। जितनी भी दुकानें हवेलियां ढाई जाएंगी, दारुल बका फना हो जाएगी। रहे न हम अल्लाह कहाँ, खान चंद का कूचा शाह बोला के पड़ तक ढहेगा। तुम आते हो चले आओ, जानसार खां के छत्ते की सड़क, खान चंद के कूचे की सड़क देख जाओ। गुला की बेगम के कूचे का ढहना, जामा मस्जिद के गिर्द 70-70 गज गोल मैदान निकलना सुन जाओ। गालिब अजुर्दा दिल को देख जाओ। घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता, घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे हम एक हसरते तामीर। Actually, his letters played a big, a huge part in the foundation of easy Urdu. तो अब इसमें as a matter of fact नामवर सिंह ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर उनका दीवान किसी दिन चला भी जाए तो उनके हाथ बहुत होंगे उसके बारे में जानने के लिए। और एक बहुत फेमस था कि दागे फिराक है सोहबत शब की जली हुई, एक शम्मा रह गई है तो खामोश है। ये अब इट वॉज अबाउट द 1857 जुल्मत कदे में मेरे शब-ए-गम का जोश है, एक शम्मा है दलीले से है सो खामोश। और उसमें एक बहुत प्यारा शेर था कि आते हैं रैब से ये मजामी ख्याल में, रैब हिडन और मजामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। कि जो पेन से पेन का जो साउंड है वो डिवाइन है। So the thoughts what I'm getting in my mind are like actually divine. That is what he wrote about his writing again. I think ye blue pirchi bhi kisi ke paas nahi hai to ghazal pad lete hain. Daayam pada hua tere dar par nahi hu, forever tere ghar pe pada hua nahi hu, khaak aisi zindagi pe ke patthar nahi. Daayam pada hua tere dar par nahi hu main, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, जो गर्दिश मुदाम से घबरा न जाए दिल। हम फॉरएवर गर्दिश, कांस्टेंट गर्दिश, क्यों गर्दिश मुदाम से घबरा न जाए दिल। इंसान हूँ प्याला और सागर नहीं हूँ। यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पर दुनिया की तख्ती पर
लोहे जहाँ पे हर्फ मुकर्रर नहीं है, मैं वो वर्ड नहीं हूँ जो दोबारा लिखा जाए। तो या रब वो जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं। हद चाहिए सजा में उकूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ। हद चाहिए सजा में उकूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं। किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे, किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे, लाल और जमूरत और जर गौहर नहीं हूँ मैं। गालिब वजीफा खार हो, ये शेर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गालिब वजीफा खार हो, गालिब को वजीफा मिले, दो शाह को दुआ, ये मुझे दुआ नहीं दे रहे हो। गालिब वजीफा खार हो, दो शाह को दुआ, वो दिन गए के कहते थे नौकर नहीं हूँ। जी जी प्लीज के जी। हद चाहिए सजा में अकूबत के वास्ते, पनिशमेंट के वास्ते, पेन पीड़ा के वास्ते। तो हद चाहिए सजा में अकूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार काफिर नहीं। और एक इनका ये अभी सपोजेडली ये है कि ये शेर उनकी डेथ से एक साल पहले का है, और एट दैट टाइम सी द थॉट प्रोसेस ये था कि पानी से सद गजीदा डरे हैं जिस तरह असद। सद गजीदा जो कुत्ते का काटा पानी से डरता है, ये पानी से सद गजीदा डरे हैं जिस तरह असद, डरता हूँ आईने से कि मर्दुम गजीदा, कि मैं इंसान का काटा हुआ। And this was written one year before his death. इंसान का काटा, मतलब कुत्ते का काटा हुआ। पानी से डरता है, मैं आईने का, आईने से डरता हूँ कि मैं इंसान का काटा हुआ। Did he write any poetry or शेर? नहीं, इसका कंटेक्स्ट नहीं है। नहीं, मैं एक सवाल दूसरा पूछूं। His wife's contribution in life was too great, I feel. You know, he could write so well without in such poverty. The wife must have not troubled him. Did he write anything about his wife, any share or any this thing? Any? अब अगर लिखा ही होगा, किसी का डायरेक्ट पॉइंट आउट तो नहीं है, मगर ये आपने जैसे पूछा तो वो मुझे सीधा सीरियल आ गया, याद आ गया कि वहाँ पर वो मिर्जा खड़े हैं और पीछे उनकी बेगम बैठी है, और वो कहते हैं कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आई एम श्योर होगा, बट एट द सेम टाइम कहीं पे ये भी जिक्र है कि देयर वाज अ फीमेल कोटेशन हु फेल इन लव विद हिम। बट अगेन ये जो था कि सात बच्चे थे, जने थे, कोई जिंदा नहीं रहा, और बकायदगी से अलाउड था कि चार शादियां कर सकते थे पर नहीं की। सो ही वाज ट्रू टू हिज वाइफ। कभी सर, कभी उन्होंने अपनी बीवी का दर्द समझा है कभी उनकी शायरी में, उनके बीवी के बारे में? क्योंकि वो भी तो बहुत लिखना सहन कर रही होगी। पर अगर मतलब लिटरेचर वो है जहाँ आप अपने पेन को दुनिया का पेन या अपनी वो तो गालिब हर बार करता है, वो भी अपनी जो भी सफरिंग है या अपनी जो भी अप्रिसिएशन है, अपनी मतलब जैसे गुलजार साहब एक उसमें कहते हैं कि अगर आप जैसा है उसको वैसा लिख रहे हैं तो वो जर्नलिज्म, वो रिपोर्टिंग है। अगर आप उसमें एक सफहा इंटरप्रिटेशन के लिए खुला छोड़ देते हो, सामने वाला जिस कंटेक्स्ट ऑफ माइंड में पढ़ रहा है, जिस स्टेट में पढ़ रहा है, तो वो सफहा वो अपने आप सोच सके या लिख सके, वो लिटरेचर, वो क्लासिक बनता है या वो आगे जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इतनी जितनी गज़लें उन्होंने लिखी उनमें से कौन सी उमराव बेगम के लिए थी, कौन सी किसी और कंटेक्स्ट में लिखी। शायद अपनी जो भी जिंदगी का सरमाया था या जो भी चीज़ें एक्सप्रेस करनी चाहिए उसे एक यूनिवर्सल, दैट्स व्हाट पोएट्स डू, कि वो उसको एक अपनी तकलीफ से ले जाके जब आप उसको दुनिया की तकलीफ से या दुनिया के एक्सप्रेशन से जोड़ते हो, एंड इट बिकम्स लिटरेचर। वो एक सबका जो खुला छोड़ देना होता है लिखते वक्त, तो कोई भी गज़ल हम नहीं कह सकते कि उन्होंने लिखी है
या हम ये भी नहीं कह सकते कि शायद कुछ नहीं लिखा है उमरा उजान के बारे में. वी डू नॉट नो एनी ऑफ द कंटेक्स्ट. इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द गजल्स में हमें कंटेक्स्ट ही नहीं पता. कोई ऑफ कोर्स यू आर प्रोफेशनल एंड यू कैन राइट एवरी डे, बट अगेन देयर हैज टू बी सम कंटेक्स्ट टू डू एनी आर्ट, राइट? अब क्या भाई आपको पहली पहला शेर चलो एवी सूझ गया, इट जस्ट केम, बट देन यू हैव टू राइट द अदर शेर्स और वो मीटर मेंटेन करना है. आपने पहली लकीर खींच दी, उसके बाद तो आपको पता है ना कि आपका कैनवस क्या है, आप क्या सोच रहे हो. तो कंटेक्स्ट कुछ एक का पता है, जैसे उन्होंने आरिफ की इस पे लिखा है या 1857 के बारे में, बट देन देयर आर लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट 1000 अशआर्स एंड वी हैव नो आइडिया. वी इट्स एज गुड, योर गेस इज एज गुड एज माइन, एंड दैट इज आई थिंक द बेस्ट पार्ट, राइट? अब ये तो हमको अगर हमको कंटेक्स्ट मालूम होता तो फिर ज्यादा क्रिटिसिज्म आ जाती उसके ऊपर, हम उसको छोड़ रहे थे ऐसे ही रहने दो, पर शायद वही उसकी खूबसूरती भी है. बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को दे यस सर ने बताइए नेक्स्ट लाइन. आइए लाइन याद नहीं आ रही. आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना, गिरिया चाहे है खराबी मेरे काशाने की, मेरे घर की खराबी बिल्कुल रोए जाती है कि गिरिया चाहे है खराबी मेरे काशाने की, दरो दीवार से टपके है बयाबां में वाए दीवान की ये शौक के हरदम मुझको, आप जाना उधर और आप ही हैरान होना, ले गए खाक में हम दागे तमन्नाए नशात, तू हो और आप बसत रंग के गुलिस्ता होना, है उस चार गिरह कपड़े की किस्मत का गालिब, है उस चार गिरह कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबान, है कहते हैं अफसोस, अफसोस उस चार गिरह के कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेवा होना, बस के मयस बस के दुश्वार है हर काम का आसान, इशरते कत्ल गहे अहले तमन्ना मत पूछ, ईद नजारा है शमशीर का उरिया होना, इशरते कत्ल गहे अहले तमन्ना, the pleasure of killing place of those who desire, unko marne ki jagah ki ishrate qatl gahe ahle tamanna mat pooch, eid nazara hai matlab happiness of, it's a spectacular this thing, spectacular sight ki eid nazara hai shamshir ka talwar ka uriyan hona, talwar ka naked hona, eid nazara hai shamshir ka uriyan hona, और है उस चार गिरह कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत है वो आशिक का गिरेबान. आज अभी जैसे बात कर रहे थे ना कॉन्टेक्स्ट की, और कुछ चीजें ना एक उसकी लैंग्वेज की अपनी खूबसूरती होती है, ठीक है? आप शेक्सपियर को हिंदी में जैसे नहीं पढ़ सकते, और गालिब को इंग्लिश में नहीं पढ़े, इट जस्ट डजंट मेक सेंस बिकॉज द ग्रामर डजंट फिट. कि आज एक एक बहुत प्यारा उनकी प्यारी गजल थी उनकी, कि फिर मुझे दीदा है तर याद आया, दिल जिगर तिश्ना है फरियाद याद आया, उसमें थी कि उसमें एक शेर है कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देखकर घर याद आ. अब वो एक तो उसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन था वो इतना ज्यादा स्कूल बुकिश था कि आप भाई रहने दो, आप मत करो उसको, डोंट किल इट, इट्स ब्यूटीफुल एज इट इज, यू नो, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट मेंट टू बी अंडरस्टूड 100%. और वन ऑफ द वेरी फेमस गजल जो शायद सबने सुनी होगी, दिल ही तो है न संग किश्त दर्द से भरना है, दिल ही तो है ईंट और पत्थर तो नहीं, कि दिल ही तो है न संग किश्त दर्द से भरना आए, क्यों रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताएगी, दैर नहीं हरम नहीं मंदिर नहीं मंदिर नहीं मस्जिद नहीं, दैर नहीं हरम नहीं दर नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं रहे गुजर पे, बैठे हैं सड़क पे, कोई
और उस पे हुस्न जन रह गई कुल हवस की शर्म, अपने पे एतमाद है बहर को आजमाए क्यों। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा से। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीन और दिल अजीज उसकी गली में जाए। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, रोइए जार जार क्या और कीजिए हाय हाय, मेरे बिना कौन से काम बंद है, रोइए जार जार क्या और कीजिए हाय हाय। ये इसी में, मतलब इसमें तो नहीं था, मगर जैसे मैंने बोला था पहले कि सिटीज के बारे में उन्होंने लिखा था कि कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशीं, एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय। वो इतना खूबसूरत है एक शहर के बारे में इस तरह से लिखना। और कुछ एनीवन वांट टू कंट्रीब्यूट? अमिताभ आप कुछ रिसाइट करना चाहते हैं? हाँ जी सर, ये शहर गालिब का है कि हमने सोचा था हाकिम से करेंगे फरियाद, पर वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। I have not read. मैंने भी नहीं। This is another request. आजकल WhatsApp और Facebook पे बहुत सारी चीजें। नहीं नहीं, ये मैंने बचपन में किसी से सुना था, वो गालिब के बारे में बता रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने वो शेर पढ़ा था कि गालिब छूटी शराब पीता हूँ पर अब भी कभी कभी पीता हूँ रोज और अबरो शबे महताब। इससे पहले उन्होंने ये सुनाया था तो मैंने आपसे कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने खराब में, मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, क्या था साकी ने कुछ मिला ना दिया वो शराब में, उसी का था ना ये। गालिब छूटी शराब पर अभी कभी 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 पीता हूँ रोज अब रोशबे माता। इसकी जरा एक्सप्लेनेशन दो कि पर मैं जस्ट आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को सीधी सीधी Even though I have left drinking, but still I do it when there are cloudy, weather is cloudy and there is moonlit light. Galib chuti sharab par ab bhi kabhi kabhi, as if this happens kabhi kabhi. On drinking he's... मैं जानता हूँ जो वो खत लिखे हैं, जो वो लिखे हैं जवाब। कर्ज की मीत पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी खाक मस्ती एक दिन, हमसे खुल जाओ बवक्त मैं परस्ती एक दिन, हम तुम्हें छेड़ेंगे रख कर उजरे मस्ती एक दिन। तो क्या था वो हरी कथा आनंद? हाँ, जो कल अशोक वाजपेयी कह रहे थे कि हरी अनंत हरी कथा आनंद, तो मतलब ये तो चलता रहेगा, गालिब तो चलता ही रहेगा, गालिब चलता ही रहेगा, 220 साल से तो चल ही रहे हैं। सो विल वाइंड अप द इवनिंग विद वन ट्रिब्यूट और एक नज़्म जो गुलजार साहब ने लिखी थी मिर्ज़ा गालिब के, उसमें कि रात को अक्सर होता है, रात को अक्सर होता है परवाने आकर टेबल लैम्प के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। यू हैव सीन दैट। रात को अक्सर होता है परवाने आकर टेबल लैम्प के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, सुनते हैं सर धुनते हैं, सुन के सब अशार गजल के, जब भी मैं दीवाने गालिब खोल के पढ़ने बैठता हूँ सुबह फिर दीवान के रोशन सपनों से परवानों की राख उठानी पड़ती है। दीवाने गालिब हम जितना पढ़ें पढ़ सकते हैं, और ये नज़्म हम अक्सर अपनी बैठक कंक्लूड करने के लिए कहते हैं कि अच्छा अब ये दीवाने गालिब हमने खोली थी और ये परवाने इतने आए थे, और लेट्स क्लोज इट एंड असद अल्लाह खान का दार कयामत है। दैट थैंक यू सो मच।